हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग बुखारा यानी चिकन बुखारा। तो चिकन बुखारा बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और लेग पीस पर मैंने कट लगा लिए हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हाफ लेमन जूस लेंगे, आधा नींबू का रस डालेंगे इसमें। मसालों में मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, ये ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, मकाई का आटा, ये हमारा बाइंडिंग एजेंट है, इससे हमारी चिकन पर कोटिंग अच्छे से होगी। 1 अंडा लिया है मैंने, इसको भी इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे मसालों को चिकन में अच्छी तरह से। तो मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। सॉरी, मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो अभी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मसालों को मिक्स कर लेंगे और चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, आधे घंटे हो चुके हैं। अब ये मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें हम हमारी चिकन को फ्राई कर लेंगे। सिंगल सिंगल पीस डालना है आपको, एक साथ पूरी चिकन नहीं डालनी है वरना चिपक जाएंगी। तो चिकन के एक 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 पीस डालकर फुल फ्लेम पर आपको इसको फ्राई करना है। इसको पूरा गलाना नहीं है, सिर्फ हमें क्रिस्पी करना है। जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो तब ये गल जाएंगी ग्रेवी में। अभी हमें सिर्फ इसको ब्राउन कर लेना है, क्रिस्पी कर लेना है। तो फुल फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, इसकी साइडों को हम चेंज कर देंगे। देख सकते हैं आप, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये एक साइड से, कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। अब हम इसको दूसरी साइड पर पलटी करके 2 मिनट के लिए, फ्लेम आपको फुल ही रखना है, लो नहीं रखना है। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमारा चिकन पक चुका है, फ्राई हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो चिकन को हमने निकाल लिया है, अब हम इसकी ग्रेवी को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने पतीली में 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं, इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच इसमें तेल लिया है, जो तेल में हमने चिकन को फ्राई किया था वही तेल लिया है मैंने। और ये मैंने 4 अनियन को फ्राई कर लिया था, बिरिस्ता बना लिया था, वो हम तेल में डाल देंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है हमको, सिर्फ थोड़ा सा सॉटे करेंगे क्योंकि प्याज हमारी पहले से ब्राउन है, तली हुई है। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक हम इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन हमारा भून चुका है, इसमें मैं 2 टीस्पून पानी डाल रही हूँ क्योंकि प्याज हमारी कुरकुरी थी, बिरिस्ता हमने बनाया था, तो हम पानी डालने से प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। ये 2 बड़े टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था, इसमें डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक तेल ऊपर नहीं आता। तो ये देखिए, तेल ऊपर आ चुका है, टमाटो प्यूरी भून चुकी है। मसालों में मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून नमक। चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए आपको हिसाब से डालना है। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची ली है
और एक कसूरी मेथी ली है मैंने हाफ टी स्पून। आप चाहे तो कसूरी मेथी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब फुल फ्लेम पर मसालों को भून लेंगे हम। तेल ऊपर आ जाना चाहिए मसालों का, इतना हमें भूनना है। तो ये देखिए, ये मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं लाल। ये तेज़ नहीं होती है, फीकी होती है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। जितना आप मसालों को भूनोगे उतना ही आपका बुखारा टेस्टी बनकर रेडी होगा। भुनाई आपको बहुत ज़्यादा करनी है मसालों की, तभी आपका रियल टेस्ट आएगा चिकन बुखारी का। तो ये देखिए, 5 मिनट तक हमने इसको भुना था। ये 2 टीस्पून भरकर मैंने फ्रेश क्रीम ली है। अच्छा, इसमें दही का यूज़ नहीं किया जाता है, चिकन बुखारे में दही का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। और ये मैंने 7 काजू का पेस्ट बना लिया था, पानी डालकर ग्राइंड कर लिया था 7 काजू को, ये हम इसमें डाल देंगे। और फ्लेम को आपने लो ही रखना है, इस वक्त हाई नहीं करना है, वरना आपकी क्रीम फट सकती है। लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। तो ये देखिए, भून चुका है क्रीम और काजू का पेस्ट। क्रीम डालने से हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बन गई है, देख सकते हैं आप। 1 ग्लास मैं इसमें पानी डालूंगी, 1 ग्लास भरकर पानी डालेंगे इसमें। हमको थिक ग्रेवी रखनी है तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और चिकन भी हमारा फ्राई किया हुआ है तो वो जल्दी ही पक जाएगा इसमें। क्रीम डालने से हमारी ग्रेवी का टेक्सचर रिच हो जाता है। तो इसमें उबाल आ चुका है, अब फ्राई की हुई चिकन जो हमने रखी थी वो इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे हम। चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है हरे धनिए का, इसलिए मैं डाल रही हूँ उसमें। हरे धनिए को मिक्स कर लेंगे हम ग्रेवी में। कोयले को मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है गैस पर, हम इसमें कोयले का धुआं देने वाले हैं। ये फॉइल पेपर ले लिया है मैंने, अगर आपके पास कोई छोटी कटोरी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयला हमारा गर्म हो चुका है, उसको रख देंगे इसमें। 2-3 ड्रॉप इस पर ऑयल के डालेंगे और इसको कवर कर देना है लीड से हमको, और फ्लेम को लो कर देना है 5 मिनट के लिए। हमें इसको धुआं देना है कोयले का। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैं कोयले को निकाल लूँगी इसमें से। अगर आप ज़्यादा धुआं पसंद करते हैं तो और ज़्यादा भी आप रख सकते हैं ज़्यादा देर तक। अब लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी। तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है। हमारा चिकन बुखारा बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आया है हमारे चिकन बुखारे का। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, और एक अलग ही फ्लेवर होता है इसका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा चिकन बुखारा बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थोड़े हरे धनिए से मैं गार्निशिंग कर रही हूँ इसकी। आप इसे तंदूरी रोटी, नान या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
आप इसे बटर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बटर नान की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आपको बटर नान की रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।